हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको आज बताने वाला हूँ ऑटोडेस्क पावर व्हील के अंदर G02 G03 का प्रोग्राम में जो आई और जे G02 G03 आई जे का जो प्रोग्राम हमारा निकलता है वो हमारा कौन से कमांड से प्रोग्राम बनता है और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम लोग जो पैटर्न है उसके लिए एडिट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि G02 G03 का जो प्रोग्राम में हम लोग कैसे बनाते हैं। अभी ये हमारा मॉडल है जिसके ऊपर हमको G02 G03 का प्रोग्राम जनरेट करना है। तो अभी हमारा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पैटर्न में हम लोग G02 का प्रोग्राम कैसे जनरेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा सर्कल है, देख सकते हैं सर्कल का है। सर्कल कितने का है, 75 का, जो हमारा डायमीटर का सर्कल है। अभी हमको इसको बनाना है, G02 G03 का प्रोग्राम को हमको जनरेट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न में कैसे करते हैं, हम लोग राइट क्लिक करेंगे और एडिट में चले जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा मॉडल है उसके सेंटर पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा सर्कल का एक ऑप्शन दिख रहा है, ये देख सकते हैं सर्कल का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेंटर जो हमारा है 75 का, 75 × 2 37.5 का हमको इधर डायमीटर डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आर का ऑप्शन दिखा रहा है। आर है तो आपको उसका आधा डालना पड़ेगा, और डी रहेगा अगर है तो आपको पूरा डायमीटर डालना पड़ता है, लेकिन आर है तो आधा डालना पड़ेगा। फिर ये सेंटर से आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर देना पड़ेगा। सेंटर देने के बाद इसको मर्ज करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2D कमांड यूज करेंगे, जिसमें कर्व मशीनिंग में 2D कर्व प्रोफाइल इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद भी हम इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं क्या करता हूँ, कटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कटर सेलेक्ट करने के बाद इधर पैटर्न भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और करने के बाद इधर आप डिपिंग दे देता हूँ कि मेरे को 15-20 mm डिप चाहिए प्रोग्राम, क्योंकि हमको सिर्फ प्रोग्राम को जनरेट करके देखना है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो 2D है क्या, आई जे में प्रोग्राम आया है क्या जनरेट। तो मैं इधर डाल देता हूँ और प्रोग्राम को क्या करता हूँ, कैलकुलेट कर देता हूँ। अभी ये जो हमारा प्रोग्राम बन रहा है, प्रोग्राम बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट कर देंगे ऐसा। जब भी हमारा ये प्रोग्राम हो गया राइट, अभी हम लोग देख सकते हैं क्योंकि हम लोग 2D का कर्व का प्रोग्राम बनाया है, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो G02 G03 का प्रोग्राम जनरेट हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो जो हमारा प्रोग्राम है, ये देखिए G02 का प्रोग्राम है हमारा, G03 का प्रोग्राम है, इसके अंदर आई जे भी यूज किया हुआ है। ये देखिए आई जे भी हमारे इसके अंदर यूज किया हुआ है। ये हमारा I2D के लिए भी हम लोग, अगर हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम लोग ये कमांड में जाएंगे 3D वाले में, तो हमको 2D का कमांड, 2D आई और जे, G02 और G03 का प्रोग्राम इसमें हमको नहीं मिलेगा। तो हमको सिर्फ कर मशीनिंग में जाके 2D एयर क्लियरेंस, मतलब कर मशीनिंग में जाने के बाद हम लोग 2D कर एयर क्लियरेंस में, 2D कर प्रोफाइल में हम लोग आई और जे और G02 G03 का प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं, और मशीन फीचर मशीनिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 2D कमांड है। 2D हमारा दोनों, जिसमें हम लोग इसमें भी 2D बनाते हैं प्रोग्राम और इसमें भी 2D बनाते हैं प्रोग्राम, तो इसमें भी हम लोग बना के देख लेते हैं कि इसमें भी हमारा 2D आता है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं और जाते हैं ग्रेप फ्यूचर ग्रुप ग्रुप में। फ्यूचर ग्रुप में जाने के बाद ये क्या करते हैं, पॉकेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉकेट को मैं क्या किया, सिंगल में इसको पॉकेट को सेलेक्ट कर दिया, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रोग्राम बनाएंगे। फीचर ग्रुप का जो हमारा टूल पथ है फीचर मशीनिंग का, इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। अभी ये जो प्रोग्राम है वो भी हमारा G02 में आता है क्या, वो दिखाने के लिए मैं आपको, क्योंकि ये 2D का है तो ये भी G02 में आएगा प्रोग्राम, क्योंकि ये 2D कमांड है। 2D कमांड का जो भी रहेगा आपका, उसमें अंदर आपको G02 का प्रोग्राम दिखेगा। ये देख सकते हैं, इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी जनरेट करता हूँ। मैं इसको प्रोग्राम को भी राइट कर लेता हूँ। राइट करने के बाद इसको भी देखते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो G02 G03 में जनरेट हुआ है क्या। तो ये भी हमारा प्रोग्राम नंबर कौन सा था, ये हम लोग देख लेते हैं, 2 है, तो 2 में चले जाते हैं। 2 में जाने के बाद देख सकते हैं कि हाँ, इसमें भी हमारा जो प्रोग्राम है वो देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो भी हमारा G02 में ही आया हुआ है। G02 और G03 में प्रोग्राम आया हुआ है, और आई और जे ये देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा, ये भी हमारा कमांड जो है 2D का है, तो 2D का कमांड में आपको आई जे भी आता है। अगर आपको कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रोग्राम में 2D में आई, जिसे हम लोग पैटर्न का प्रोग्राम बनाते हैं, बट इधर हम लोग सर्कल जैसे लिए, कैसे सर्कल हम लोग लेने के बाद अगर हम लोग प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम
G02, G03 में नहीं आता है तो आपको एक ऑप्शन और करना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करने का डबल, जैसा क्लिक करेंगे ना तो इधर हमारे पास एक ऑप्शन आता है ए डायमीटर और रेडियस, तो ये इसमें आपको क्या करना पड़ता है, साइज देना पड़ता है। तो आपको डायमीटर में जाके इसका साइज देना पड़ता है आपको, ऐसा जो भी आपका साइज रहेगा देने का 75, और इसको ओके करने का। तो आपका जो 2D का प्रोग्राम है, जैसे आपका G02, G03 में प्रोग्राम नहीं होता है, कभी कभी हमारा पैटर्न में कभी कभी प्रोग्राम हमारा नहीं बनता है ऐसा, तो आपको जैसा मैं बता रहा हूँ एडिट में जाने के बाद आपको ऐसा एडिट करने का, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसमें एडिट करने का, तो आपका जो प्रोग्राम है 100% वो G02, G03 में आना ही है उसको पैटर्न में। ऐसा पैटर्न में कभी कभी होता है कि G02 में G03 में प्रोग्राम नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको राइट क्लिक करके उसके अंदर एडिट में ऑप्शन जाके आपका जो साइज रहेगा वो डालने का वापस, वो साइज रहेगा फिर भी आपको वापस एडिट कर देने का, तो जो आपका साइज है वो साइज आपका प्रोग्राम G02, G03 में बन जाएगा। ऐसा कभी कभी होता है कि नहीं बनता है, लेकिन हमेशा ऐसा बनता है क्योंकि ये 2D कमांड है। तो इसमें मशीन फीचर मशीनिंग में और कर मशीनिंग में हमारा ये 2D कमांड है, जिसमें हम लोग G02, G03 IG का प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं कमांड में। ऐसा अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहे वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कीजिए, उधर जाके मेरे को मैसेज कीजिए और बताइए कि क्या चीज़ है आपको चाहिए, आपको किस चीज़ पर टॉपिक पे वीडियो, फिर मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के